मैं महन पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज में CCC के लिए स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसके टॉपिक के आधार पर देखा जाए तो इंटरनेट की क्लासेस को प्रोवाइड करने से पहले मैंने आप लोगों को नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जो मेरी पिछली वीडियो थी कंप्लीट नेटवर्क स्ट्रक्चर पर थी। बिकॉज इंटरनेट को पढ़ने से पहले नेटवर्क के बारे में जानना जरूरी होता है, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो नेटवर्क स्ट्रक्चर पर बनाई। और आज की जो मेरी क्लास है वो कंप्यूटर नेटवर्क पर है। इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है, साइज के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, नेटवर्क में जो लैन की टोपोलॉजीज होती है उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और नेटवर्क मॉडल्स क्या है उसका भी मैं कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जहां एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। कंप्यूटर का वह समूह जो किसी कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा आपस में जुड़े हों और उसमें डेटा तथा रिसोर्सेस की शेयरिंग हो सके उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। जो कम्युनिकेशन मीडिया होती है उसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिशन करते हैं। जिस कंप्यूटर के द्वारा डेटा को भेजा जाता है उसे हम सेंडर कहते हैं, और जिस कंप्यूटर में डेटा को रिसीव किया जाता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जो हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किस मोड में होता है उसको हम देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाए तो कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन बोलते हैं, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड को हम समझ लेते हैं जब एक ही दिशा में हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं या एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है तो उसे सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो सिंगल वे में होता है, तो सिंगल वे में जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। मतलब केवल डेटा ट्रांसमिट होता है वही आपका सिंप्लेक्स है, या डेटा रिसीव, मतलब एक ही वर्क होगा, एक दिशा में एक ही काम होगा, उसे हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। और जो आपका हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है एक ही लाइन के द्वारा दोनों दिशाओं में काम करना, आपका हाफ डुप्लेक्स मोड कहा जाता है। कहने का मतलब यदि हम केवल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिटिंग होगा, और फिर ट्रांसमिटिंग को ब्रेक करके स्विच करके हम रिसीविंग कर सकते हैं, मतलब एक टाइम में एक ही काम होगा, केवल ट्रांसमिटिंग होगा तो ट्रांसमिटिंग, और जब रिसीविंग होगा तो रिसीविंग। ट्रांसमिटिंग होना, ट्रांसमिटिंग करते हैं उसके बाद उसको हम स्विच करते हैं उस लाइन रिसीविंग कर सकते हैं, वो आपका कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड। थर्ड आपका फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब होता है जिसमें दोनों दिशाओं में काम होता है, उसके लिए दो लाइन होती है, मतलब एक से ट्रांसमिटिंग होता है और एक से रिसीविंग, मतलब एक ही टाइम पर दोनों काम होता है, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, उसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे आपका फोन है, मॉडेम है, हम फोन पे बात करते हैं तो हम बातचीत करते हैं, हमारी भी आवाज जाती है और अगले की भी आती है, या हम मॉडेम से देखिए इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो मॉडेम से ट्रांसमिटिंग रिसीविंग दोनों वर्क होता रहता है। चूंकि मॉडेम का वर्क होता है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेट का मतलब होता है डेटा को मॉड्यूलेट करना, भेजना, और डीमॉड्यूलेट आईवी डेटा को रिसीव करना। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम मॉडेम से होता है, मॉडेम और फोन ये सब आपके फुल डुप्लेक्स मोड कहे जाते हैं। तो सिंप्लेक्स जिसमें एक ही दिशा में काम होता है उसे हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं, और जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है एक ही लाइन में दोनों दिशाओं में काम होता है उसे हम हाफ डुप्लेक्स मोड कहते हैं। और फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, जैसे दोनों दिशाओं में हम काम एक समय पर दोनों दिशाओं में काम कर सकते हैं उसे हम फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। तो ये है आपका कम्युनिकेशन जो हम ट्रांसमिशन करते हैं। क्योंकि बेसिक्स कंप्लीटली हमें समझना है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है उसको मैंने बताया, कि अब हम चलते हैं देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया कितने प्रकार के होते हैं जिसे हम नेटवर्क मीडिया भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया जिस माध्यम से हो करके डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है उसे हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। इस माध्यम से भेजे गए डेटा को ही हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं, मतलब कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से भेजे गए डेटा को हम
डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो कितने प्रकार से किया जाता है, तो नेटवर्क मीडिया जो है या कम्युनिकेशन मीडिया दो प्रकार से होती है, एक है आपका गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का सेंस ये है कि हम वायर के माध्यम से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट करते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। और जहां आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वायरलेस कनेक्शन के थ्रू जुड़ा होता है वो आपका अनगाइडेड मीडिया होता है। तो हम देखेंगे गाइडेड मीडिया जो वायर्ड मीडिया होता है उसमें कितने प्रकार के वायर यूज किए जाते हैं, इसे हम देखते हैं। तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपके तीन प्रकार के वायर यूज किए जाते हैं, एक है आपका कॉक्सियल केबल और एक है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल और एक है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे हम फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहते हैं। तो कॉक्सियल केबल क्या होता है, कॉक्सियल केबल में दो वायर होते हैं, एक सॉलिड वायर होता है और एक आपका होता है जाली नुमा वायर। इन दोनों के बीच में इंसुलेटर होता है जिसके माध्यम से हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये जो इसमें एक आउटर जैकेट होता है उसके अंदर एक इंसुलेशन लेयर होता है, फिर आपका इसमें वायर निकला होता है, कॉपर की लेयर होती है, कुछ इस तरीके का आपका कॉक्सियल केबल का फॉर्मेट होता है। कॉक्सियल केबल कुछ इस तरीके से होती है आपकी। तो कॉक्सियल केबल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका थिन नेट और एक होता है थिक नेट। थिन नेट जो होता है वो 0.25 इंचेस मोटा होता है और जो थिक नेट होता है वो 0.5 इंचेस मोटा होता है। जो थिन नेट होता है उसमें डेटा का ट्रांसमिशन 180 से 185 मीटर तक हम करते हैं और जो थिक नेट होता है उसके माध्यम से हम 500 मीटर तक का डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कॉक्सियल केबल जो यूज होता है वो केबल नेटवर्क के लिए, टीवी केबल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर सिटी नेटवर्क में जो केबल टीवी केबल्स होते हैं उसमें इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो कॉक्सियल केबल दो प्रकार से हो गई, थिन नेट एंड थिक नेट। आपको एक चीज मैं बता दूं, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डेटा के ट्रांसमिशन को मापने के लिए उसको हम यूज की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं केबीपीएस और एमबीपीएस। केबीपीएस एंड एमबीपीएस, केबीपीएस का मतलब होता है किलोबाइट पर सेकेंड और एमबीपीएस का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। तो जो कॉक्सियल केबल में जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 10 MBPS होता है, 10 MBPS। सेकेंड है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल में दो वायर होते हैं जो डबल हेलिकल फॉर्म में लिपटे होते हैं, जो एक डबल हेलिकल फॉर्म में लिपटे रहते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार का होता है, जिसे हम एसटीपी और यूटीपी कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो 10 to 15 MBPS होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक शील्डेड होता है और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होते हैं ये पतले पतले प्लास्टिक या ग्लास वायर से मिलकर के बने होते हैं और इसमें नॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉइस की प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, नॉइस मतलब होता है नॉइस, इंटरनेट नेटवर्क के सेक्टर में देखा जाए तो नॉइस का मतलब होता है सिग्नल्स में खराबी। तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, इसके द्वारा हम जो लाइट सिग्नल्स के रूप में डेटा को हम भेजते हैं इसमें नॉइस की कोई समस्या नहीं आती है। और इसमें जो डेटा के ट्रांसमिशन का दर होता है वो 100 MBPS होता है, 100 MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड इसमें डेटा का ट्रांसमिशन 100 MBPS होता है। तो ये है तीनों आपके गाइडेड मीडिया के अंतर्गत यूज होने वाले तीनों वायर है आपका कॉक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब हम देखते हैं अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया, जो विदाउट वायर जो डेटा का ट्रांसमिशन जिनके माध्यम से करते हैं उसे हम वायरलेस मीडिया कहते हैं। हम देखते हैं वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया में आप देखें लेजर है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, सैटेलाइट लिंक या माइक्रोवेव जिसे हम कह सकते हैं, इसके माध्यम से हम वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं। जो डेटा का ट्रांसमिशन हम करते हैं वायरलेस मोड में करते हैं। लेजर के द्वारा हम लाइन ऑफ साइट, जिसे हमें एक सीध में डेटा का मीडिया का ट्रांसमिशन किया जाता है, लाइन ऑफ साइट एक सीध में डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। इंफ्रारेड के माध्यम से हम एक रूम में, जिसे जो भी हम ट्रांसमिटिंग करते हैं रूम में, जैसे टीवी है, वीसीआर है, जो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं वो हम
इंफ्रारेड मीडिया उसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव कोई लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये हर क्षेत्र में इसका ट्रांसमिशन होता है, जो कि वेव तरंगे होती हैं, रेडियो वेव तरंगे होती हैं, जो किसी भी दिशा में वर्क कर सकती हैं। इसी तरीके से सैटेलाइट लिंक का जो माइक्रोवेव होता है, ये भी आपका लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन करता है और ये सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। तो ये कुछ ऐसी मीडिया है जिसके द्वारा हम वायरलेस मीडिया करते हैं, जिसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं साइज के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। साइज के आधार पर नेटवर्क होते हैं वो मेन तीन प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क आप देख रहे हैं, लैन, मैन एंड वैन। साइज के आधार पर तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं, एक है आपका लैन जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, दूसरा आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड है आपका वैन। फर्स्ट है आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। आप देखेंगे लैन जो होता है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क, कहने का मतलब एक ऑफिस नेटवर्क, होम नेटवर्क या कैंपस नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं, वो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, सेम पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हैं। ये वायर नेटवर्क होता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जो वायर के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया थिन नेट और थिक नेट। थिन नेट और थिक नेट में अंतर क्या होता है, जो थिक नेट होता है वो लैन के जो थिन नेट्स होते हैं, एक से ज्यादा लैन थिन नेट को हम थिक नेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट करते हैं। 100 मीटर टू 1 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है, जो मेन रेंज होता है लैन का 1 किलोमीटर तक का रेंज होता है, बट कहीं कहीं आपको 1 से 2 किलोमीटर तक का रेंज दिया जाता है, बिकॉज जो थिन नेट और थिक नेट के माध्यम से हम 2 किलोमीटर तक के रेंज में लैन को जोड़ सकते हैं। सेकेंड है आपका देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम एक सिटी नेटवर्क कहते हैं, सिटी में जो नेटवर्क फैला होता है जिसका रेंज 100 किलोमीटर तक का होता है, जब लैन का एरिया नेटवर्क बढ़ जाता है तो वो आपका मैन में परिवर्तित हो जाता है। मैन बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे सिटी नेटवर्क कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं रेंज ही बढ़ रहा है, इसीलिए इसको साइज नेटवर्क बोलते हैं। तो जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे हम सिटी नेटवर्क कहते हैं, लैन को ऑफिस नेटवर्क कहेंगे, इसे हम सिटी नेटवर्क कहेंगे, और ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिस जो पूरे विश्व में फैला होता है, बिकॉज जब से WWW आ गया से वर्ल्ड वाइड वेब कहने लगे, और वाइड एरिया नेटवर्क में आपका वैन जो है, वैन ही एक तरीके का इंटरनेट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। आप देखें तो जो मैन होता है वो आपका 100 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है, इसे सिटी नेटवर्क कहते हैं, और वैन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड विश्व में जो पूरा फैला है, जो विश्वव्यापी है, वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसे हम वैन कहते हैं या इसे हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। जब 100 से ऊपर जब मैन का एरिया बढ़ जाता है, मैन का रेंज बढ़ जाता है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी नेटवर्क है जो कि 100 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है, और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है, इसे हम ऑफिस नेटवर्क कहते हैं, इसे सिटी नेटवर्क कहते हैं, और इसे हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोलते हैं, इसे हम इंटरनेट भी कह सकते हैं। जो लैन होता है बड़ा ही शुद्ध आपका परिणाम प्रेषित करता है, और मैन और वैन की अपेक्षा लैन की स्पीड भी ज्यादा होती है, बट लैन का रेंज बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। लैन को जोड़ने का, जब हम वायर के माध्यम से एक कंप्यूटर से जो केबल कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ा गया, जैसे भी मैंने आपको बताया कि गाइडेड मीडिया जो है, कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। तो यहां जो लैन है, लैन नेटवर्किंग जो हम करते हैं, ज्यादातर लैन को गाइडेड मीडिया पर ही वर्क किया जाता है। तो लैन में जो कंप्यूटर को केबल से जोड़ने का तरीका, उसे हम लैन टोपोलॉजी कहते हैं। लैन टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं लैन टोपोलॉजी, और ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देंगे, बिकॉज उनके कोर्स में लैन टोपोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, या ज्यादातर एग्जामिनेशन में जहां नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, वहां पर आपको टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो लैन टोपोलॉजी क्या है, कंप्यूटर को केबल्स के माध्यम से जोड़ने का जो तरीका है, उसे हम लैन टोपोलॉजी कहते हैं। और लैन टोपोलॉजी जो है वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपका बस, सेकेंड आपका रिंग, थर्ड है आपका स्टार, फोर है आपका ट्री, और फाइव है आपका मेस। ये 5 प्रकार की टोपोलॉजी यूज की जाती हैं, बस, रिंग,
स्टार, ट्री एंड मैस, ये पांच प्रकार की टोपोलॉजी यूज की जाती है जहां कंप्यूटर आपस में वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम लैंड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे जो बस टोपोलॉजी होता है, देखिए नाम में ही गुण होता है और जिस तरह का नाम है उसी वे में उसी तरीके से कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है। तो जैसे ये आपका है, यहां हमें एक कंप्यूटर जोड़ दिया, एक कंप्यूटर यहां जुड़ गया, इस तरह से कंप्यूटर जुड़ गया, इस तरह से कंप्यूटर जुड़ गया। तो इसमें जो एक मेन लाइन होती है वो आपका बैकबोन कहा जाता है, जो मेन लाइन होती है जहां से, और बस नेटवर्क में, बस टोपोलॉजी में टर्मिनल्स होते हैं, टी के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसे सर्वर में टी टर्मिनल्स के माध्यम से इसको हम जोड़ देते हैं, टर्मिनेट, और यहां लास्ट में टर्मिनेटर लगता है जहां से टर्मिनेट हो जाता है। तो यहां जो कोई भी ट्रांसमिशन होता है सबका एक सोर्स होता है, एक कोड होता है, एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस लेकर के जब से सूचना यहीं के पास भेजनी है तो सबसे पहले सूचना टर्मिनल पर जाता है, मेन सर्वर पर जाता है और वहां से उसका एड्रेस को डिफाइन किया जाता है और उस सिस्टम को ट्रांसमिट कर दिया जाता है जिस सिस्टम का एड्रेस होता है। तो ये है आपका बस टोपोलॉजी। इसमें अगर कोई डिवाइस का नोड, कोई नोड अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो नोड केवल नहीं चलेगा और सारी चीजें चलेंगी, लेकिन जब बैकबोन में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो पूरे नोड्स खराब हो जाते हैं और आपका ये सिस्टम जो नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग मतलब होता है गोला। जैसे एक सिस्टम आपका ये है, एक सिस्टम आपका ये है, एक सिस्टम आपका ये है और एक सिस्टम ये है, इसको रिंग के अनुसार हम इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ये आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कोई भी नोड सर्वर नहीं हो सकता है और कोई भी क्लाइंट बन सकता है, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें मेन सर्वर कोई नहीं होता है, कोई भी बनाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो सार्वजनिक हो जाता है। जैसे यहां से डेटा भेजा गया, इस कंप्यूटर का डेटा है तो सबसे पहले इसके पास आएगा, एड्रेस को डिफाइन किया जाएगा और अगर इसका एड्रेस नहीं है तो ये दूसरे को ट्रांसमिट कर देगा, अगर उसका एड्रेस है तो वो डेटा को रिसीव कर लेता है। ये है आपका रिंग टेक्नोलॉजी। और यहां अगर कहीं डैमेज हो गया तो पूरी टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, इसे हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब के माध्यम से सिस्टम्स कनेक्ट किए गए होते हैं। ये हब का बीच में आपका जो है हब सिस्टम है, इसी से सिस्टम को आपस में कनेक्ट किए होते हैं। इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है बिकॉज डायरेक्टली सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इसमें अच्छा नेटवर्क भी, स्टार को सबसे अच्छा नेटवर्क भी माना जाता है। लेकिन अगर आपका हब सिस्टम जो मेन सर्वर है आपका, अगर वो बैठ गया, वो डिस्टर्ब हो गया तो पूरा नेटवर्क सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। इसमें डेटा ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं, ये तरीका जो होता है आपके नेटवर्क का उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। हम और भी सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं एग्जाम्पल फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ, केवल टोपोलॉजी को समझाने के लिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में जैसे एक कंप्यूटर है, उससे दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, दो मेन नोड कनेक्ट हुए, इससे हमने कई सारे नोड्स को कनेक्ट कर दिया। इसमें सबसे बड़ी सुविधा होती है कि नोड्स हम जितना भी बढ़ाना चाहें नोड्स को हम बढ़ा सकते हैं, इसे बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। इस तरीके से हम नोड, इसमें नोड्स को बढ़ाने का तरीका होता है। लेकिन अगर ये मेन लाइन डिस्टर्ब हो जाए तो सारे नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आपका ट्री टोपोलॉजी है, इसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। सबका नाम जैसा है उसी हिसाब से उसका कनेक्शन किया जाता है। और आप जानते हैं कंप्यूटर को केबल्स के माध्यम से कनेक्ट करने का जो तरीका होता है उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका मेस, इसे हम मल्टी लाइन कनेक्शन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं, नेटवर्क का एक फॉर्मेट, इसमें हम कई सारे सिस्टम का व्यू बना ले रहे हैं और इस तरह से इसका हम कनेक्शन बना लेते हैं, इस तरह से कनेक्शन बना लेते हैं। और इसके बाद इसको हम आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। यह है आपका एक तरीके का मेस टोपोलॉजी। मेस को मल्टी लाइन कनेक्शन बोलते हैं, मेस टोपोलॉजी है, इसमें कई सारे वायर्स के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। तो यहां खराब होने के चांसेस बहुत कम है, बट ये बहुत ही कॉस्टली है और सबसे टफ नेटवर्क बनाना आपका मेस नेटवर्क जो होता है, मेस टोपोलॉजी जो होती है सबसे टफ होती है, सबसे ज्यादा मेहनत इसमें करना होता है। लेकिन ये मल्टी लाइन टोपोलॉजी होती है, इसको लगाने पर इस खर्चीली भी बहुत ज्यादा होती है और इस नेटवर्क
ये टिकाऊ नेटवर्क है, ये काफी लंबे समय तक चल सकता है क्योंकि एक एक सिस्टम एक एक नोड्स को एक कई सारे वायर्स के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी जिसे हम बस रिंग स्टार ट्री एंड मेस कहते हैं। मैंने उसका डायग्राम भी बना करके आपको दिखाया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं नेटवर्क्स हैं, वायर नेटवर्क बनाने में जो आपने टोपोलॉजी देखी इसको करने में कुछ डिवाइसेस, कुछ कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन के डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। जैसे है आपका, आपको आपने देखा केबल्स की आवश्यकता आपको पड़ती ही है, केबल्स हो गया, हब हो गया, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन के इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किए करके हम नेटवर्किंग करते हैं। तो ये है आपका नेटवर्क टाइप ऑफ नेटवर्क, साइज के आधार पर नेटवर्क टाइप तथा नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये आपके कनेक्टिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए जो डिवाइसेस एंड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे केबल हो गया, हब है, स्विच है, टर्मिनल है, टर्मिनेटर है, इथरनेट है, राउटर है, रिपीटर है, आपका वी राउटर है, ब्रिज है, इस तरह के कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क मॉडल। तो नेक्स्ट देखें आप नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स क्या है, जो नेटवर्क होता है वो विभिन्न लॉजिकल लेयर्स का बना होता है। तो यहां मैंने आपको दिखाया है ओएसआई मॉडल जो 7 लेयर का होता है, और आपका टीसीपी आईपी मॉडल जो 4 लेयर का होता है। जो इसमें नेटवर्क लेयर होते हैं उन सबका अलग अलग लेयर का अलग अलग वर्क होता है। तो आप ध्यान देंगे ओएसआई मॉडल में कुल 7 लेयर्स होते हैं, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में जरूर पूछा जाता है। तो जो 7 लेयर्स होते हैं वो क्या क्या हैं, और ये लेयर जो आपका कंप्लीट नेटवर्क मॉडल है इस पर कंप्लीट आपका इंटरनेट नेटवर्क डिपेंड करता है। आप देखें जो ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट बोलते हैं। तो जो ओएसआई मॉडल है आपका उसमें कुल 7 लेयर्स होती हैं। ये नेटवर्क लेयर है आपका, जो नेटवर्क मॉडल्स है उसमें लॉजिकल लेयर होती हैं। तो ये इसमें 7 लेयर आपका ओएसआई मॉडल में। आप देखें एप्लीकेशन, ये लेयर में सबसे ऊपर एप्लीकेशन होता है और सबसे नीचे फिजिकल लेयर होता है। आप देखें फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकेंड है प्रेजेंटेशन। आप देख पा रहे हैं यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है एप्लीकेशन, किन एप्लीकेशंस पर आपका वर्क होता है। जो एप्लीकेशन है जैसे HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल version 3 है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसे में एप्लीकेशन बेस पर काम करते हैं। IMAP है, इंटरक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, टेलनेट होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। और इस तरह से नीचे देखें जो नेक्स्ट लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, मल्टीप्रोफाइल इंटरकनेक्ट मेल एक्सटेंशंस बोलते हैं उसको, SSL है, ये सब प्रेजेंटेशन लेयर है। तो फर्स्ट लेयर आपका एप्लीकेशन हो गया, सेकंड लेयर है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड है आपका सेशन लेयर। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेटवर्क लेयर्स में जो थर्ड लेयर होता है वो कौन सा होता है, तो सेशन लेयर है। इन सब टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सेशन लेयर होता है। फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट जो डेटा का ट्रांसमिशन कराया जाता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है TCP और UDP का होता है। TCP बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये आपका मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया आपका नेटवर्क जो, और नेटवर्क जो है वो IP एड्रेसेस पर चलता है। अगर आप छोटा सा फोन भी चला रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी एक आईपी एड्रेस जो ISP होता है जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, उसके द्वारा एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे ये फॉर्मेट है आपका आईपी एड्रेस लिखने का, इस तरह से लिखा जाता है 0.2.127 है, इसके बाद 192.253 है, इस तरह से अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जो नेटवर्क होता है वो आईपी एड्रेस को डिफाइन करता है, बिकॉज ISP जो होता है हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी असाइन कर देता है। तो नेटवर्क के सामने मैंने आईपी दिया हुआ है। तो जो आपकी जो पांचवी लेयर है वो नेटवर्क है, छठी लेयर है वो डेटा लिंक लेयर बोलते हैं, जिससे डेटा कनेक्शन के लिए जो हार्डवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे इंटरनेट है, वाईफाई है, FDDI है, PPP है, 3xP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इस तरह से 6 आपका है डेटा लिंक लेयर, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने डाल दिए, जैसे इथरनेट होता है, इथरनेट आप जानते हैं, इथरनेट एक कार्ड होता है जिसे नेटवर्क कार्ड कहा जाता है, जिसे हम नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं, इथरनेट कार्ड होता है जिसे नेटवर्क कार्ड कहा जाता है, एक तरीके का हार्डवेयर होता है।
तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। ये आप विशेष ध्यान देंगे। तो ये आपका सिक्स है आपका डेटा लिंक लेयर, और जो सेवंथ है आपका फिजिकल लेयर है, जिसमें एक एग्जांपल इसका लिखा ISDN। क्वेश्चन आ जाता है कि जो लास्ट लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लास्ट लेयर फिजिकल होता है और फर्स्ट लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। सेवन OSI मॉडल में सेवन लेयर्स में पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है और लास्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है। आप ध्यान देंगे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क ये सॉफ्टवेयर लेयर माने जाते हैं और डेटा लिंक और फिजिकल ये हार्डवेयर लेयर होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे TCP/IP मॉडल जो होता है, TCP/IP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल का मॉडल है उसमें कुल फोर लेयर होते हैं। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन, सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्ट, थर्ड आपका इंटरनेट और फोर्थ आपका नेटवर्क इंटरफेस। ये चार लेयर होते हैं आपके TCP/IP मॉडल में। तो ये दो मॉडल है आपका, एक OSI मॉडल है जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल कहते हैं, उसमें कुल सेवन लेयर होते हैं जिसमें पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है और लास्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ आपका ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है नेटवर्क लेयर, सिक्स आपका डेटा लिंक लेयर और सेवन है आपका फिजिकल लेयर। ये आपके फाइव जो है इसमें ये आपके सॉफ्टवेयर लेयर कहे जाते हैं और जो ये दो है लास्ट में वो आपके हार्डवेयर लेयर होते हैं। TCP/IP मॉडल में एक एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस है। तो ये आपका TCP/IP मॉडल जिसमें फोर लेयर पाए जाते हैं, इसमें पहली लेयर एप्लीकेशन है और लास्ट लेयर जो आपका नेटवर्क इंटरफेस है। तो ये है आपका नेटवर्क मॉडल। तो आपने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है, नेटवर्क मीडिया क्या होता है, नेटवर्क साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तथा नेटवर्क मॉडल्स क्या है, नेटवर्क में जो लैन होता है लैन की टोपोलॉजीज क्या होती हैं, नेटवर्किंग करने में जो इक्विपमेंट जो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, उसके बारे में आपने कंप्लीट इस वीडियो में बताया और इस वीडियो से आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो CCC ओ लेवल इन सब प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहा है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आप इंटरनेट के यूजर हैं, आप नेटवर्क CCNA या MCSE या ADCHN ऐसी कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क के बारे में जानने के लिए ये वीडियो बहुत ही आपकी मदद करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।